In this video, we will study about the family Rosaceae and its economic importance. We will study about economic importance of Rosaceae family. So the plants which are related with family Rosaceae are as follows. First one is Prunus species, Prunus. It includes almond, apricot, peach and plum. जो रोजासी फैमिली है उसमें सबसे पहले मैं बता रहा हूँ आपको कुछ प्लांट्स जो कि इससे रिलेटेड हैं, इंक्लूडिंग रोज. तो सबसे पहले मैं बता रहा हूँ प्रूनस स्पीशीज, मतलब इनकी जीनस सबका सेम है प्रूनस, बट दी स्पीशीज आर डिफरेंट. तो इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, आलमंड, बादाम, एप्रिकॉट, पीच एंड प्लम. तो ये क्या हो जाते हैं, आड़ू. आड़ू आप खाते होंगे सभी, तो ये इसमें आ जाते हैं. नेक्स्ट पायरस मेलस, PYRUSMALUS. इट इज द बॉटनिकल नेम ऑफ एप्पल. इस टाइम पे एप्पल बहुत आ रहे हैं, एंड एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे. तो उसका बॉटनिकल नेम आप देख रहे हैं, पायरस मेलस. नेक्स्ट इज ब्लैकबेरी एंड रेसबेरी, एंड द स्पीशीज विच इज रिलेटेड विद इट इज रूबस, RUBUS, रूबस स्पीशीज. जामुन आप खाते होंगे, ब्लैक कलर के होते हैं, ब्लैकबेरीज कहते हैं. और कुछ स्पीशीज रेसबेरी की होती है, जिसमें हम शहतूत की बात करते हैं, जिसमें किसकी बात करते हैं, शहतूत की बात. नेक्स्ट इज जूस हम पीते हैं स्ट्रॉबेरी का, लाल कलर के आपने स्ट्रॉबेरी देखे होंगे फ्रूट्स की दुकानों पे. तो उसका बॉटनिकल नेम क्या है, फ्रेजीरेरिया वेस्का, FRAGARIA VESCA. सो इट इज रिलेटेड विथ स्ट्रॉबेरी. तो ये इंक्लूडिंग मैं रोज बता रहा हूँ, कि रोज तो आपने देखा ही था जिससे कि हम गुलकंद बनाते ही हैं. लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे और ऐसी फैमिली के जिनकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है. तो इस कैटेगरी में सबसे पहले अपने पढ़ते हैं एडिबल प्रोडक्ट्स. सबसे पहले कौन से पढ़ते हैं, एडिबल प्रोडक्ट्स. तो एडिबल प्रोडक्ट्स में आप देखेंगे क्या आएगा सबसे पहले. एडिबल मीन्स जो कि खा सके अपने, विच कैन बी ईटन. पायरस ग्लैंडेलस, PYRUSAMYGDALUS. इसको हम कह देते हैं, इसका बॉटनिकल नेम तो ये हो गया, वर्नू कलर नेम या इंग्लिश नेम क्या, आलमंड, बादाम. बादाम खाने में भी यूजफुल है, बादाम का तेल अगर बालों पे लगाते हैं तो बाल भी काले रहते हैं. नेक्स्ट इज पायरस पायरीफोलिया, PYRUSPYRIFOLIA. इसको कह देते हैं हम चाइनीज स्पीयर. हालांकि चाइना के अब आइटम्स पे सब बैन लग चुका है, तो कुछ फ्रूट्स जो जिनको चाइनीज स्पीयर की फॉर्म में आप कह देते हैं, इट इज द बॉटनिकल नेम इज पायरस पायरीफोलिया. नेक्स्ट इज प्रूनस पर्सिका, PRUNUS, प्रूनस पर्सिका, PRSICA. इसको हम कह देते हैं आड़ू. आड़ू खाते हैं हम, स्फेरिकल टाइप के होते हैं, थोड़े से टाइट होते हैं. नेक्स्ट इज प्रूनस डोमेस्टिका, इसको कह देते हैं आलू बुखारा. आलू बुखारे बहुत सॉफ्ट होते हैं खाने में. तो ये एडिबल प्रोडक्ट्स आगे फैमिली रोजासी के. नेक्स्ट द नेक्स्ट पार्ट रिलेटेड विथ इट इज, मैं आपको स्पीशीज बता रहा हूँ, फ्रेजीरेरिया, जो ये एडिबल्स में ही आ रहे हैं जो कि खा सकते हैं हम. फ्रेजीरेरिया चाइलोएंसिस, स्ट्रॉबेरी कह देते हैं लोकल नेम में.
नेक्स्ट आ जाओ रूबस, RUBUS, आईडियस, IDAEUS, रेस्पबेरी कह देते हैं। तो ये डिफरेंट प्लांट्स हो गए फैमिली मालवासी के, जिनकी हम एडिबल इम्पोर्टेंस पढ़ रहे हैं। वी आर स्टडिंग दी एडिबल इम्पोर्टेंस, विच मीन्स डैट दे कैन बी ईटन। नेक्स्ट इज वॉट आर दी ऑर्नामेंटल कैटेगरीज। तो इसमें आप सिर्फ स्पीशीज याद कर लें, पोटेंटीला, सेकेंड इज रोज, तीसरा है ACIOA, SUA ग्यूनेंसिस। नेक्स्ट इज मेडिसिनल इम्पोर्टेंस किसकी है प्लांट की, मेडिसिनल। तो इसमें आप देखेंगे रोज पेटल, रोज के जो पेटल है, गुलकंद जिससे बनता है, मैंने आपको बताया था पहले भी, गुलकंद जो है इट इज वेरी यूजफुल फॉर डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स। जहाँ डाइजेशन में प्रॉब्लम है वहाँ गुलकंद खाने से फर्क पड़ता है, पेट की जो दिक्कत है वो दूर होती है। नेक्स्ट इज ए ड्रग कॉल्ड कूसो, विच इज एन एंटी हेलमेंथिक ड्रग। तो उससे रिलेटेड फ्लावर कौन सा है, हेजीनिया फ्लावर, HAGNIA, हेजीनिया फ्लावर। लीव्स ऑफ पोटेंटीला, इनकी जो लीव्स हैं वो क्या काम आती हैं, अर्थराइटिस। दूसरा है किडनी स्टोन्स, जो किडनी में स्टोन्स हो जाते हैं उससे रिलेटेड ये इनकी लीव्स इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये एक प्रिस्क्राइब्ड आयुर्वेदिक डॉक्टर से ही विचार विमर्श करके करना चाहिए अपने को ये सारा। नेक्स्ट पार्ट इज शैम्पूज, मालवेसी फैमिली, सॉरी रोजासी फैमिली के जो कुछ प्लांट्स हैं, दे आर दी सोर्स ऑफ शैम्पूज, विच आर ऑफ हर्बल इम्पोर्टेंस। और इसमें हम लेंगे पाउडर्ड बार्क ऑफ क्यूलीजिया ट्री, QULLAJA ट्री। तो इनकी ये जो लीव्स होती हैं, इनका जो बार्क वाला पार्ट होता है, बार्क वाला, वो शैम्पूज आप उनसे यूज बना सकते हैं एंड यूज कर सकते हैं। सो इट कंप्लीट्स ऑल अबाउट द इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ रोजासी फैमिली। थैंक यू।